अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को गोरखपुर क्षेत्रीय कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय गोरखपुर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र के सभी डिपो गोरखपुर, राप्ती नगर, पडरौना, सोनौली, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया डिपो के कर्मचारियों ने कोविड-19 के निर्धारित गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आम सभा का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से परिवहन आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान रमेश तिवारी, अशोक कुमार सिंह, महेश कुमार राय, मनोज कुमार द्विवेदी, दिनेश चंद्र मिश्रा, राम कृपाल सिंह सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जैसा कि आप ज्ञापन जानते हैं, आपकी 7 सूत्री मांगे हैं और अपन को जाना है शासन में, हमारा निजीकरण हो रहा है सर, और आप चिट्ठी भी भेजते हैं कि 22 गाड़ी लगा दो वहाँ, 29 वहाँ लगा दो, तो वही हमारा सवाल है। बाकी तो जैसे कम बेसी पैसा रुपया हम लेते रहते हैं, आप भी जो भी संस्तुति हो सिफारिश करके संस्तुति करके डीएम साहब के माध्यम से भेजवाइए, हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे, ये हमारा ज्ञापन है। प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ टेहरी कोठी द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ज्ञापन। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसें चलाने से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन विभाग 4 से प्रसारित अधिसूचना दिनांक 15 सितंबर 2020 के व पत्र दिनांक 22 सितंबर 2020 एवं परिवहन निगम के कारोबार को समेट कर इसके अस्तित्व को समाप्त करने की सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के विरोध में तथा परिवहन निगम कर्मचारियों अधिकारियों की अन्य सामूहिक प्रमुख मांगों के समयबद्ध पूर्ति हेतु अनुरोध को में घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसका सभापतित्व जयप्रकाश दुबे ने किया। इस धरना सभा में उपस्थित कर्मचारी मार्गों पर अवैध रूप से चल रही डगरामार नदी वाहनों का संचालन बंद कराया जाए, इसी का खबर है। अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते के नाम पर मोटरयान अधिनियम 1988 के उपलब्ध संविधान 103(01)(a) के अनुसार निकट राज्यों का संचालन राज्य की सीमा को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाए। हाँ, परिवहन निगम की बसों के लिए भी निजी बसों के समान यात्री कर अतिरिक्त कर की दर निर्धारित किया जाना, इसके साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों परिचालकों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही शेष संविदा चालकों परिचालकों के चरणबद्ध नियमितीकरण की योजना बनाने पर प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान न किए जाने सहित अन्य अव्यवहारिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाए तथा ACP की समय से स्वीकृति कर इनका भुगतान किया जाए। 5वां, मृतक आश्रितों को नियमित नियुक्ति प्रदान किया जाए। 6ठा, परिवहन निगम और आपसे भी गुहार लगाता हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी प्रमोट करके ये कॉरपोरेशन बचा रहे, आप हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बने, हम जिंदा रहें, आपको देखें, आपका आशीर्वाद पाएं और दो सब कह करके हमारे कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का ज्ञापन मिला है मुझे, 7 सूत्री ज्ञापन मिला है जो कि प्रमुख सचिव परिवहन महोदय को है, तो मैं जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इसको उचित माध्यम से प्रमुख सचिव परिवहन महोदय के पास को पहुंचवा दूंगा और जो भी जायज मांगे होंगे उसके लिए उसका निस्तारण किया जाएगा। क्रिश्चन श्रीवास्तव, हमारे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम केवल 7% राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलते हैं और ऊपर भी अगर परमिट जारी कर दिए जाएंगे तो आने वाले समय में हमारा परिवहन निगम टूट जाएगा, हमारे कर्मचारी भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, हम सड़क पर आ जाएंगे, हम अपने बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे और इतना बड़ा उद्योग मिनटों में टूट जाएगा। हमारे उद्योग के सामने बहुत बड़ी संकट है, हम उस संकट के बचाने के लिए हमारे सारे संगठनों के लोग मिलकर के इस मोर्चा के तहत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसके तहत हमारा जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अब आज का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रमुख सचिव को ज्ञापन भेज दिया, हम अपने MD साहब को क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं, माननीय परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे प्रांत से हमें जो निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम अगली कार्रवाई तय करेंगे। देखिए, कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की समिति द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और इसके द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रमुख सचिव परिवहन महोदय के लिए सौंपा गया है, तो इसको मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा, जो भी जायज मांगे होंगे उसके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।